नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां विद्यापतिनगर प्रखंड अंतर्गत सोठगामा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का प्रखंड स्तरीय बैठक अधिवक्ता प्रदीप राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि गरीबों को सही समय पर राशन नहीं मिल रहा है, मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं दिया जा रहा है, पंचायत स्तर पर गिर मजरुआ जमीन को गरीबों भूमिहीनों के बीच वितरण नहीं किया जा रहा है, नल जल गली नाली योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है, ग्राम पंचायत बंगराहा के वार्ड संख्या 9 में नल जल योजना के लाभों से दर्जनों लोग वंचित हैं। उपरोक्त सभी मामलों की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग भी की गई है। मौके पर खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव जीवज पासवान, जिला अध्यक्ष उपेंद्र राय, भाकपा माले प्रखंड सचिव शिवजी राय, ब्रजकिशोर सिंह चौहान, अर्जुन भगत, हरेराम राय, कारी पासवान, सज्जन कुमार, मधुकांत महतो, शिव कुमार साह, विजय राय, ललन सहनी, चिंता देवी, ज्योति देवी, पार्वती देवी आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। के मध्य विद्यालय में खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का एक बैठक हो रहा है। बड़ी अच्छी तरीके से देखिए ये फोटो। सोठगामा पंचायत के एक आशा बहू है जो विकलांग है, गया शाह का बेटा है लालो शाह। इससे 1000 रुपया विद्यापति प्रखंड का प्रभारी, विद्यापति प्रखंड का स्वास्थ्य माने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विद्यापति का प्रभारी 1000 रुपया आशा बहू के पास।